नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए मित्रों, नवरात्रि पर देवी पूजा और नवदिन का व्रत का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। माँ नव दुर्गा के नौ रूपों की आराधना की जाती है। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, नौ दिनों में माँ नव दुर्गा के नौ रूपों की, हम जो नौ रूप होते हैं इसकी पूजा किए जाते हैं और माता के हर रूप का अलग अलग महत्व होता है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इन महिलाओं को भूल करके नवरात्रि को उपास नहीं रखना है, अन्यथा पूरे परिवार पर संकट आ सकते हैं, स्वयं पर संकट आ सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं। तो किन किन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, आइए वीडियो में विस्तार से जानते हैं। जानकारी बताने से पहले आप सभी मित्रों से बार बार निवेदन है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाजू में बने बेल का आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं इस प्रकार के मैं ज्ञानवर्धक वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो पहला है मासिक धर्म चल रहे महिलाओं को। जी हाँ, महामारी या मासिक धर्म चल रहे महिलाओं को नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय में महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं और गलती से अगर माता रानी की मूर्ति को स्पर्श कर लिया जाए या छू लिया जाए तो माता रानी क्रोध हो जाते हैं और भयंकर पाप भी लगते हैं, इससे घर परिवार में बर्बादी आ सकती है, माता रानी कुपित हो सकती है। तो विशेष ध्यान रखें, मासिक धर्म चल रहे महिलाओं को नवरात्रि का व्रत नहीं करना है। दूसरा मित्रों, गर्भवती महिला। जी हाँ, जो माता बहनें गर्भवती हैं उन्हें नवरात्रि का उपवास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का व्रत रखेंगे उसमें देवी को विशेष कृपा होगी होगी। ठीक, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो गर्भवती महिला अगर उपवास रखते हैं तो जो गर्भ में पल रहे बच्चे हैं उसे काफ़ी तकलीफ होता है, उन्हें पोषक तत्व जितना डेली के खाते मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते। तो नवजात जो शिशु हैं, जो कि अभी हमारे दुनिया में जन्म नहीं लिए हैं, उनके जीवन पर काफ़ी बुरा असर पड़ सकते हैं और आपको भी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, आपको भयंकर नुकसान हो सकते हैं। तो नवरात्रि का व्रत गर्भवती महिलाओं को भी नहीं रखना है। तीसरा, बीमार पड़े या भूखी औरत को। जो माता बहनें बीमार पड़े हैं अगर वो नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो बीमार पड़े हुए व्यक्ति को काफ़ी नुकसान हो सकते हैं, यहाँ तक कि डेथ भी होने का खतरा रहता है, क्योंकि भूखा के अभाव में बिना पानी के शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाती, इससे मौत भी हो सकती है। और जो भूखी औरत है, भूखी औरत भी नवरात्रि का व्रत नहीं रख सकती, क्योंकि नवरात्रि का अगर व्रत रख लें और नवरात्रि का व्रत रखने के बाद भी अगर वो भूखी को बर्दाश्त नहीं कर पाए, भूख के ऊपर में काबू नहीं पाए और अगर कुछ खा लें तो इससे माता रानी कुपित हो जाती हैं, क्रोध हो जाती हैं, इसका परिणाम बुरा भी हो सकता है। तो ये तीन प्रकार के महिलाओं को भूल करके नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी बताया हूँ आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।